लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। तो चौथे दिन की कार्यवाही जो हंगामे के पेट चढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि पहले ही इसके कयास लगाए जा चुके थे कि चौथे दिन भी हंगामे के आसार विपक्ष की तरफ से और ये नजारा देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर हंगामा, लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष का हंगामा। तो कांग्रेस का समिति की बैठक में इसी पर फैसला लिया गया था कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा सदन के अंदर उठाया जाएगा और अब उसी पर विपक्ष ने हंगामा किया है। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा की कार्रवाई का आज चौथे दिन चुनावी बॉन्ड का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया और इस मुद्दे पर हंगामा करते हुए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया है। तो लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले कई और मुद्दों को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया और इस हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी भी जाहिर की और सभी सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की और कहा कि बिल में नारेबाजी ना की जाए। और अब कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष का हंगामा, तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या कुछ मुद्दे उठाए जाने इसको लेकर फैसला लिया गया था, जिसमें चुनावी बॉन्ड का मुद्दा भी शामिल था। और विपक्ष में जैसे ही ये मुद्दा उठा तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया, चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया कांग्रेस ने। तो लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया है, चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष ने यह हंगामा किया और अब कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। तो कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाया था, चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में ये जवाब कांग्रेस से मांगा है। आपको बता दें कि बाकायदा इससे पहले बैठक कांग्रेस कार्य समिति की हुई, जिसमें इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई और लोकसभा में ये मुद्दा गूंजता नजर आया विपक्ष की तरफ से। और अब कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों से जवाब यहां पर मांगा गया है।